Good morning student, myself is Ranjan. student. Today we will start class 8 history from Mother Lab's books and his first chapter is World in the Modern Times. Its learning object is What is the mean by modern periods? Advantage of modern period, American Revolution, New Moment. First one is what is the what? वाट इज मींट बाय मॉडर्न पीरियड स्टूडेंट द टर्म मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू द रिसेंट टाइम यानी मॉडर्न पीरियड हम लोग उसको बोल रहे हैं जो रिसेंट टाइम में हम लोग उसको देखते हैं एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न मॉडर्न इंडिया बिगेंस फ्रॉम द मिड एटीन सेंचुरी बिकॉज मैनी ऑफ द चेंजेस दैट आर कंसिडर टू बी द

पीरियड्स में क्या हुआ कि जब मुग़ल जो औरंगज़ेब के बाद आफ्टर द औरंगजेब डेट यानी सेवनटी सेवन सेवनटीन जीरो सेवन यानी सत्रह सौ सात में जब क्या होता है औरंगज़ेब की मृत्यु होती है तो इसके बाद जो भी रूलर्स आते हैं वो रूलर्स जो होते हैं इतने कैपेबल्स नहीं होते हैं कि मुगल्स एम्पायर को क्या करें उसको टेक ओवर कर लें इसके बाद क्या होता है कि जो साउथ में ये, ये यूरोपियंस जो आते हैं अपने मर्चेंट्स uh, के एज ए फॉर्म ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडर्स के फॉर्म में आते हैं बाद में ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं कि ये जो इंडियंस रूलर्स होते हैं उनके वार इंटर वार में इंटरफेयर करने लगते हैं शुरुआती स्टूडेंट जो है ये कर्नाटक के कर्नाटक रीजन्स में ये रीजन्स में इंटरफेयर करेंगे ठीक है हैदराबाद के निज़ाम के में जिसमें मेनली जो है फ्रांस और ब्रिटेन जो है क्या करेंगे इनके इंटरफेयर करेंगे इनके रीजन में इंटरफेयर करेंगे बाद में ये क्या होता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बैटल ऑफ जो प्लासी होता है बैटल ऑफ प्लासी कब होता है सेवनटीन फिफ्टी सेवन में फिर सेवनटीन फिफ्टी सेवन में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है इसके बाद क्या होता है कि ये इनके पहला बैटल ऑफ प्लासीज में जो है ब्रिटेन्स वाले जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं सिराजुद्दौला को डिफ़ीट करने में और इसके बाद मीर जाफर बनता है वहाँ का रूलर्स और मीर जाफर जैसे ही वहाँ का रूलर्स बनता है फिर वहाँ से ये लोग क्या कर लेते हैं लूटपाट का प्रोसेस के स्टार्ट कर देते हैं इसके बाद इनको और सक्सेस मिलता है कहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में होता है ठीक है 1764 में जो जैसे ही बटल बै, बैटल ऑफ बक्सर्स होता है इसके बाद ये जो है नॉर्थ इंडिया ठीक है नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा चंक जो है इनको क्या हो जाता है टैक्स के फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाता है ठीक है और यहीं से ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो है अपना यहाँ पर कंट्रोलिंग जो है पॉलिटिकल पावर यहाँ पर इस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल के साथ साथ यहाँ पर जो है इकोनॉमिक पावर भी यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड करना स्टार्ट कर देते हैं यानी जो हम मॉडर्न पीरियड्स की बात करें तो मॉडर्न पीरियड ये ये वो पीरियड्स होता है जहाँ पर हम लोग मुगल्स मुगल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो एड एडभर्सली यानी एब्रॉप्टी क्या होता है चेंज होता है और जो ये लोग नए तरह से ये जो ब्रिटिश वाले जो एस्टैब्लिश करते हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है इसी के एक्चुअल में जो है हम लोग इंडिया के कंटेस्ट में क्या करते हैं मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं ंट्री में अलग अलग ये मॉडर्न पीरियड्स की बात होती है ठीक है तो स्टूडेंट यहाँ जो द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगेन साइमल्टेनियसली इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द यूरोप फॉर एग्जाम्पल इट बिगेन द फिफ्टीन सेंचुरीज वाइल्ड इन इंडिया एक्चुअली जो यूरोप में हुआ था फिफ्टीन सेंचुरी में हुआ था अच्छा फिफ्टीन सेंचुरी में क्या हुआ तो फिफ्टीन सेंचुरी में कस्ट नेपल यानी 1453 में क्या होता है कि बेजनताइन अम्पायर जो होते हैं यहाँ पर डिक्लाइन कर जाता है और इस पर ऑटोमन अम्पायर का क्या हो जाता है ऑटोमन अम्पायर जो है यहाँ पर कैप्चर कर लेता है ठीक है तो यहाँ पर ये यह जो जैसे ही ऑटोमन अम्पायर यहाँ पर कैप्चर करता है तो पूरे यूरोप में ठीक है पूरे यूरोप में एक नए तरह का यहाँ पर जिसको हम लोग रेनन साह कहेंगे रेनन साह कहने का मतलब यहाँ पर जो है साइंटिफिक टेम्प्रामेंट की बात होने लगेगी क्वेश्चन अराइज होंगे ठीक है ये जो चर्च का जो माइंड ब्लाइंडली यहाँ पर फेथ था उसको ये लोग क्या करेंगे उ, उसको क्वेश्चनेबल्स करना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो वहाँ पर यूरोप में चेंजेज हुआ था ये फिफ्थ सेंचुरी में यानी आफ्टर जो ये कॉन्स्टेपल्स यानी कॉन्स्ट दुनिया पर जब ये अटैक कर लेगा ऑटोमन अंपायर इसके बाद वहां पर मॉडर्न पीरियड क्या स्टार्ट होता है जबकि इंडिया में जो है इंडिया में जो है स्टूडेंट एटीन सेंचुरी स्टार्ट करती है कब यानी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर्स के बाद ठीक है अगला पॉइंट है इसके बाद द प्रो, प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा इसका प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है तो इसमें इसमें मॉडर्न पीरियड में, में, में इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन स्विफ्ट जो है स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स यूनिफॉर्म्स लॉ वाइड स्प्रेड लिटरेसी एंड लार्ज स्केल द माइग्रेंस ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ द न्यू ऑक्यूपेशन के सर्च uh, में एक जगह से एक रीजन से दूसरे uh, रीजन्स में जब ये लोग माइग्रेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होता है यूनिफॉर्म्स लॉ बनाए जाते हैं ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जो सारी चेंजेस होती है ये क्या कहलाते हैं ये मॉडर्न पीरियड्स कहलाते हैं दी चेंजेस फर्स्ट बिगन इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड केम टू अस अंडर कंडीशंस वीच वर नॉट ऑफ द आवर चॉइस एज आवर कंट्री इट हैड गोन अंडर द फॉरेन डोमिनेंस यानी ये जो फॉरेन डोमिनेंस जब अभी हम बात कर रहे थे फॉरन डोमिनेंस में क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो है मॉडर्न पीरियड जो हम जहाँ पर देखते हैं फिफ्टीन सेंचुरी में जहाँ पर क्या होता है कि बेंजामिन बेंजामिन अंपायर से क्या होता है बेंजमिन अंपायर से यहाँ पर डिक्लाइंस करता है ऑटोमन अंपायर यहाँ पर ऑटोमन अंपायर एस्टेब्लिश्ड होता है ठीक है वहीं इंडिया में क्या होता है वहीं इंडिया में क्या होता है कि फॉरन्स जो आते हैं फॉरन ट्रेडर्स पहले मर्चेंट्स के फॉर्म में आते हैं फिर यहाँ पर अपनी क्या कॉलोनी भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये हमारी चॉइस नहीं था कि हम मॉडर्न की तरफ से आए बल्कि हमारे लिए ऐसा सिचुएसन आया अच्छा ऐसा सिचुएसन इसलिए इंडिया में हुआ क्योंकि हमारे उस टाइम के जो रूलर्स थे वो क्या थे जो भी इंडियंस रूलर थे वो आपस में ही क्या थे वो डिवाइडेड थे और इसी डिवाइडेड का ये क्या कर लेगा इसी डिवाइड का ये लोग अपना क्या बेनिफिट्स उठाएंगे फ़ायदा उठाएंगे और जो है इनको धीरे धीरे अपना कॉलोनी इस्टेब्ल ब्लिश कर लेंगे ये मुगल एम्पायर औरंगजेब के पहले इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इंडिया में क्या कर ले इस्टब्लिश कर ले बाकी जैसे ही होते हैं मुग़ल एम्पायर यानी जो औरंगजेब जैसे ही सेवनटीन जीरो सेवन में इसका डेथ होता है इसके बाद जो है इसके रूलर्स बहुत ही वीक आएंगे और ये इनको अपॉर्चुनिटी दे, दे देंगे मौका दे देंगे जिससे ये क्या कर लेंगे इंडिया में अपना इस्टैब्लिश कर लेंगे कॉलोनीस को ठीक है इन द अर्ली पार्ट ऑफ द एटीन सेंचुरीज आवर कंट्री हैड बिकम्स पोलिटिकल्स वीक्स एज इट हैड बिकम्स वेरी मच डिवाइडेड ठीक है और ये यूरोपियंस जो हैं यह करेंगे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाए डिवाइड डिवाइड एंड डिइंड एंड रूल्स की पॉलिसी लाएगा और इसी रूल्स के तहत ये क्या करेंगे इंडिया को अपने कॉलोनीज में कन्वर्ट कर लेगा द यूरोपियन मर्चेंट दैन ट्रेडिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया टूक एडवांटेज ऑफ हिस्स पॉलिटिकल इन एस्टैब्लिस्ड इन इंडिया जो भी पोलिटिकल यहां पर इन एस्टेब्लिस्टी था उसी का ये लोग क्या लेंगे एडवांटेज लेंगे एंड ग्रुप ऑफ दिस देम कॉमिंग्स फ्रॉम द इंग्लैंड बिकम्स आवर रूलर्स ऑफ इंडिया और इस तरह से क्या हो जाएंगे ये हमारे रूलर्स हो जाएंगे फॉर अबाउट टू कॉन सेंचुरी इंडिया

ठीक है फॉर ए द दो टू सेंचुरी इंडिया रिमेन्स अंडर द ब्रिटिश रूल विच कैप्स द बैकवर्ड्स एंड डिलेड्स इन द बिकम्स मॉडर्न यानी मॉडर्न होने में ये क्या करता है डिले भी करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लाइटेशंस किया जाएगा हर सेक्शन में करेंगे ये चाहे वो क्या होंगे ट्राइबल्स होंगे या फिर वो जो प्लेन एरिया का जो पीजेंट्स होंगे इन सब को क्या करेंगे ये एक्सप्लाइड करेंगे यहाँ के ट्रेड को ख़त्म कर देंगे यहाँ के मर्चेंट्स को भी ये लोग क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे जिसके वजह से ये जो मॉडर्नाइजेशन पूरा वर्ल्ड हो रहा था इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रहे थे उस इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवांटेज इंडिया को नहीं मिलेगा हाउ एट दिस पीरियड ऑफ द द द द बॉन्डेज पीरियड ऑफ ऑफ हु दल्सोड टू द द यूनाइटेड टू टू फाइट फॉर द फ्रीडम्स एंड आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन फोर्टी फिर भी स्टूडेंट क्या होता है कि उस पीरियड के बाद यानी मेनली जो हम लोग गांधी एरा जब हम लोग देखते हैं जो गांधी जी नाइनटीन में ये जो कम बैक टू इंडिया यानी साउथ अफ्रीका से इंडिया जब आते हैं और पूरे इंडिया में ये क्या करते हैं घूम घूमते हैं और घूमने के बाद उसको यूनाइट करते हैं और यूनाइट करने के बाद फाइनली हम लोग 1947 में हम लोग क्या होते हैं इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं द पीपुल्स ऑफ द इंडिया स्टार्ट रीबिल्डिंग देयर कंट्री एज एन द इंडिपेंडेंट नेशन इसके बाद लोग जो है इंडियंस के जो भी सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं इंडिया को एज ए नेशन में रिबिल्डिंग्स करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एडवांटेज क्या है जी तो एडवांटेज ऑफ चेंजेस सिग्निफियंटे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड्स अभी हम बताएं ऊपर में कि जो है क्या होता है कि फिफ्टीन सेंचुरी में वो जो है क्या बोलते हैं कि वो कस्ट नेपल्स यहाँ पर ठीक है जिसमें बेंजेंटाइन एम्पायर जैसे ही हुई, बेनजानतन अंपायर जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होते हैं और ऑटोमस अंपायर आता है तो नए तरह के साइंटिफिक जो बातें होने लगती है उसके बारे में ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये सिस्टम सर ये नए तरह का मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है द क्रूसिड्स ओपन ओवरलैंड्स ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन द ओपन यूरोपियंस एंड अरब्स थ्रू द कंस्टनेपल एक्चुअली जो क्रूसेड्स का मीन्स होता है ये जो है एक तरह का रिलीजियस वार्स था जो कि मुस्लिम्स और यूरोपियंस के बीच में क्या क्या मिडिल मुस्लिम्स एंड यूरोपियंस के बीच में ये जो है वार जो है लड़ा गया था रिलीजियस के रिलीजियस को लेकर ठीक है और इसका यही नहीं हुआ इसका य, आ, क्या बोलते हैं ट्रेड पर भी क्या पड़ता था इम्पैक्ट पड़ता था कॉन्स्टिनेपल द कैपिटल ऑफ किस था बेंजनताइन का था ड्यू टू द ट्रेड लार्ज सिटीज ग्री एंड न्यू क्लासेस मर्चेंट क्या होते हैं एरोज करके सामने आ रहे थे विदर सुपोर्ट मेनी यूरोपियंस रूलर एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग स्टेट फ्री फ्रॉम द फ्यूडल्स कंट्रोल यानी फ्यूडल फ्यूडल कंट्रोल्स फ्यूडल सिस्टम किसको बोलते हैं तो एस्टोडेंट फ्यूडल सिस्टम तो जाता है मेनली जो है फ्यूडल सिस्टम क्या होता था कि एक जो है चंक जो है ये लैंड पोर्सन जो है वो वहाँ के क्या बोलते हैं वहाँ जो जो भी मतलब जो रूलर्स होता था वो जो है अ, अ, जो उसका मेन जिसको हम लोग सेनापति बोलते हैं यानी उसका जो क्या बोलते हैं सेनापति था उसको जो है उसके उसको एक छोटा सा लैंड पोर्शन दे दिया जाता था जिसके जिसके जो कैप्टन उसका होता था ठीक है उसको ये क्या, क्या बोलते हैं एक टुकड़ा दे प्लॉट दे दिया था और उसी प्लॉट से जो भी वो क्या करते थे जो भी वो Uh, आर्मी का आर्मी का जो क्या बोलते हैं कॉस्ट होता था सब इसी एरिया से उसे इसी प्लॉट से क्या करता था कि यहाँ पर क्रॉप्स करता था क्रॉप्स करने के बाद इनको दे दिया जाता था तो इस तरह से जो है ये एक क्या था एक छोटा सा टुकड़ा जिससे क्या किया जाता था तो लोगों को जो है पेमेंट किया जाता था एक्चुअली सॉरी पेमेंट जो किया जाता था वो आर्मी के अंदर से जो भी उसके साथ फाइट करने के लिए जाते थे वो जो वो, वो जो सिस्टम डेवलप्ड हुआ उसी को क्या बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं ये जो है लॉड ला, ये बाद में क्या हो जाएगा ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो इनके पास जो है लैंड पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा और ये अपने आप को फ्यूडल लॉर्ड्स बना लेंगे ठीक है फ्यूडल्स लॉट्स बना लेंगे और इनका क्या होगा इनका जो है एक अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाएगा ठीक तो दे आर सपोर्ट ऑफ द मेनी यूरोपियन सुरल एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग स्टेट फ्री फ्रॉम द फ्यूडल कंट्रोल अब बाद में ये जो क्या करेंगे यूरोपियंस जो है इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड से क्या करेंगे इनको क्या करें फ्री करके एक नए स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। चले जाएंगे इन फोर्टीन फिफ्टी थ्री में क्या होता है कि द ऑटोमन तुर्क ऑक्युपाइड द कस्टू नेपल्स यानी ये जो था बेजनताइन बे, जो एम्पायरस था इसकी जो ये कैपिटल हुआ करता था उस पर आ, कैप्चर किसका हो जाता है फोर्टीन फिफ्टी थ्री में जो है ऑटोमन एम्पायरस का होता है तुर्की पर इट रिजल्ट ये जो क्या करें? करता है डेवलपमेंट होता है थ्री टर्म्स का थ्री डेवलपमेंट्स होता है यहाँ पर एक होता है दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्म्स होता है और थर्ड जो होता है क्या सी होता है यानी एक्चुअली रेनसा रेनसान का मतलब क्या होता है स्टूडेंट इसका ये मतलब होता है कि इसमें जो वहाँ पर कस्ट में जो ऑटोमन अंपायर का वहाँ पर कैप्चर हो जाता है तो वहाँ से बहुत सारे जो आर्टिस्ट जो होते हैं स्कॉलर्स होते हैं वो जो है इन Benz, एम्पायर्स को छोड़कर इटली यानी वेनिस की तरफ वो क्या होते हैं आ, 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 आते हैं दे कंट्रीब्यूट टू द रेन सान इसका मतलब ये कंट्रीब्यूट क्या करते हैं यानी यहाँ पर जो लर्निंग का जो प्रोसेस है जो पहले क्या हुआ करता था uh, 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 स्पिरिचुअलिटी टाइप का होती थी उस लर्निंग को प्रोसेस को इसने क्या कर दिया चेंज कर दिया यानी एक तरह से यहाँ पर रीबर्थ होता है स्प्रिट ऑफ द साइंटिफिक रीजनिंग स्टार्ट होता है ह्यूमैनिज्म की बात होती थी पहले नहीं होता था ह्यूमैनिज्म वहाँ पहले पहले बातें नहीं होती थी वहाँ वो जो चर्च होता था वहाँ पर जो चर्च होते थे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो क्या करते थे कॉमन मैन को एक्सप्लायड करते थे ठीक है लेकिन जैसे ही ये जो रेन शाह का पीरियड स्टार्ट होता है एक नए तरह का एक नया रीबर्थ होता है जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होगी रीजनिंग बात होगी लॉजिक बातें होंगी और ह्यूमैनिज्म की बात होगी दिस द साइंटिफिक इन्वेंशन और इसने क्या कर दिया एक नए तरह का इन्वेंशन करने का एक वे ऑफ द पाथ डेवलप किया द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग अब क्या हुआ प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है इस प्रिंटिंग uh, प्रेस uh, ने क्या किया स्टूडेंट कि इसने क्या किया कि, कि जो मैं uh, जो आइडिया था जो थाट था उसको प्रिंट के थ्रू एस्प्रेडिंग किया एक नए तरह के आइडिया का रीजनरेट करने के मटेरियल इस्टैब्लिश इस्टैब्लिश किया द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमनिज्म एक्सप्रेस इन द पेंटिंग्स स्कल्पचर्स लिटरेचर थिएटर्स एंड म्यूजियम के थ्रू ये क्या होने लगा ह्यूमनिज्म को एक्सप्रेस किया जाने लगा एट दिस टाइम द फेमस यूनिवर्सिटी केम ऑफ द एज द सेंटर ऑफ द लर्निंग के सेंटर के फॉर्म में निकल के आया अगला है प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्म्स इसमें क्या होता कि जो फेथ था ब्लाइंड फ्लेथ था चर्च के ऊपर यानी जो चर्च कह रहा था उस पर लोग जो है ब्लाइंडली फेथ करते थे उसको अब यहां पर क्या किया जाएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट होने के वजह से अब उनकी जो भी जो भी रिप्लाई था उस पर ये लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चनिंग उठाना स्टार्ट कर देंगे ठीक है उनके जो भी प्रोसीजर्स था उस प्रोसीजर्स ये क्वेश्चनाइज अराइज करेंगे यानी रिफॉर्मेशन क्या है कि द साइंटिफिक मेथड ऑफ द लर्निंग विच इज द बेस्ड ऑन द किस पर था जी क्वेश्चनिंग पर रीजनिंग पर ऑब्जर्वेशन पर एक्सपेरिमेंटल पर सम लर्न पीपुल्स ऑफ द यूरोपियन टू अगेन द ऑटोक्रेट्स यानी जो क्या था ऑटोक्रेट्स यानी सारा पावर वहीं कंज्यूम uh, करके रखा था यानी कौन सा लेजिस्ट

प्रोटेस्टेंस रिफॉर्म्स इन द सिक्सटीन सेंचुरी दिस मोमेंट ऑफ द टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्ट प्रटिस ऑफ द रोम कैथोलिक चर्च बिगेन्स इन यूरोप यानी ये जो सिक्सटीन सेंचुरी में ये क्या होने लगा ये जो करप्ट प्रैक्टिस था चर्च का यानी ब्लाइंड फेथ जो वहां पर था उसको लेकर क्या होने लगा ये कर, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा एज द रिजल्ट ऑफ द द दिस मोमेंट प्रोटेस्टेंट चर्च इंडिपेंडेंट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च वर द सेट ऑफ द मेनी पार्ट ऑफ द यूरोप वो लोग क्या होने यूरोप अलग हो जाएंगे एंड सम ऑफ द नेशन इसमें जो था वो कंट्री कौन कौन हुआ करते थे इंग्लैंड फ्रांस और होलैंड बिकम द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट नेशन हुआ थे नेक्स्ट पॉइंट है सी डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट सी उटूडेंट अभी हम जो बताए थे कि ये जो रीजन्स था ये रीजन्स था एक्चुअली में ये uh, ये है आपका सॉरी ये ये जो है ये अफ्रीका हुआ ये कौन सा था ये कंट्री है अफ्रीका ये रहा सॉरी अफ्रीका ये इंडिया ठीक है ये था ये है सॉरी यहाँ पर है स्पेन यहाँ पर है पुर्तगाल ठीक है और ये ग्रीस वाले यानी इटली यहाँ पर ठीक है थीके? यहाँ आप देखो हुआ क्या कि ये मिडिल ईस्ट ये मिडिल ईस्ट हुआ सॉरी यहाँ पर मिडिल ईस्ट हुआ हाँ यहाँ पर मिडिल ईस्ट था यहीं पर कौन था बेंजा, बेंजा बेंजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था इस पर जब ये जो है फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टी थ्री में फोर्टीन फिफ्टी थ्री में यहाँ पर इसी बेंजेंटाइन एम्पाय एम्पायरस को ख़त्म करके जैसे ही ऑटोमन अम्पायर ठीक है कौन ऑटोमन अम्पायर जैसे ही यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये जो वेनिस वाले खास करके ये पूरे यूरोप्स को पूरे यूरोप्स को जो भी मर्चेंट थे वो वेनिस वाले ही क्या करते थे उसको कंट्रोल कंट्रोल करते थे ये लोग क्या करते थे इधर से आते थे ठीक है और जो है ट्रेड करने के लिए खास करके जो इस्पाइसिस था इंडिया से ये लोग यहाँ से इस्पाइसिस वगैरह क्या करते थे ले जाते थे और इधर भी साउथ ईस्ट एशिया से भी ये लोग ले जाते थे और ये तुरु तुर्की होते हुए ठीक है यानी कस्टिंग होते हुए ये लोग कहाँ पहुँचते थे ये लोग पहुँचते थे वेनिस में और वेनिस वेनिस शहर यानी जो इटली का ये एक बड़ा सा सिटी है पूरे ट्रेड को यहीं कंट्रोल करता था यूरोप में फिर यहाँ से पूरे यूरोप में क्या किया जाता था पूरे यूरोप में ट्रेड को फ्लोरिश किया जाता था ये जो था इनका जो क्या मोनोपोरी जो ये मैनिस वाले थे इसको लेकर ये जो थे स्पेन पुर्तगाल यहाँ के जो रूलर्स हुआ करता था वो भी यहाँ रूलर्स के साथ साथ यहाँ का जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे ये इनसे हमेशा खफा हुआ करते थे ठीक है लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि 1453 में यहाँ पर ऑटोमन अम्पायर जैसे ही यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पर जो ये जो है ये अब इनका ट्रेड थोड़ा सा क्या होने लगा अब इनको ट्रेड पर थोड़ा सा जो है दिक्कत आने लगी क्यों क्योंकि ये जो है टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया और जैसे ही ये टैक्स को क्या करता है इंक्रीज करता है तो यहाँ के जो खास करके पुर्तगाल और स्पेन का जो रूलर्स था ये इसने क्या किया कि अपने वहाँ के जो भी लोकल्स थे, पर्सन थे उनको क्या किया कि उनको पैसा देना लगा कि आप जो है फंडिंग सॉरी फंडिंग करने लगा कि आप ऐसा कोई रास्ता निकालो जो कि हमारे लिए क्या हो एशिया साउथ एशिया कंट्री में हमारे लिए जाना आसान हो जाए ठीक है चूंकि यहाँ पर चूंकि ये एक तो दो प्रॉब्लम्स था यहाँ पर एक वेनिस का था दूसरा यहाँ पर ऑटोमन अम्पायर का तो इस वजह से ये लोग क्या करने लगे इसने यहाँ पर क्या करने लगा कि ये जो फंडिंग यहाँ के रूलर्स स्टार्ट कर दिया ठीक है साथ में यहाँ पर रेनेशा भी चल रहा था रेनेन् ने क्या किया कि यहाँ पर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट नए नए तरीका का मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए ये क्या करने लगा लोगों का आइडिया क्रिएट करने लगा इस वजह से यहाँ पर जो है नए और हल्के नाव बनाने चल स्टार्ट कर दिया बोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया साथ में इसने कंपास और नेडल भी खोज लिया और इसने क्या किया इन दोनों चीज़ों ने लेकर यहाँ पर एक नए रास्ते को एक नए वे को पाथ को क्या डिस्कवर करने में हेल्प कर दिया इसमें जो है पहले आता है बार्थोलोमोडियाज ठीक है वो जो था पुर्तगाल का था वो बार्थोलोमडिया जाता है और कैप्टाउन में पहुंचता है अफ्रीका के कैप्टन पहुंचता है जैसे ही अफ्रीका के कैप्टन पहुंचता है तो यहां पर क्या होता है कि ये कैप्टन कैप टाउन को देखता है और कहता है कि यही क्या है इंडिया चूंकि यहाँ पर जो है साउथ इंडिया के जैसे यहाँ पर लोग इसको मिलना स्टार्ट हो जाता है तो इसी को ये क्या कहता है? समझता है कि ये इंडिया है और ये वापस चला जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ तो इंडिया नहीं है फिर इसके बाद आता है 1498 में वास्को डिंगामा यहाँ से चलता है और वास्को डिगामा जो है अफ्रीका पहुँचता है और अफ्रीका पर जैसे ही पहुँचता है तो एक वहाँ पर जो है गुजराती ट्रेडर था अब्दुल माजिद उसको वहाँ पर मिलता है और बोलता है कि इंडिया नहीं इंडिया तो अभी आ गया और उसी अब्दुल माजिद को पकड़ के ये पहुँचता है इंडिया के कहाँ पर कालीकट और वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो इंडिया का एक वहाँ ये इधर का यहाँ का जो है रूलर्स था जिसका नाम था जमोरिन जमोरिन क्या करता है इसको वार्म वेलकम करता है अच्छा वार्म वेलकम क्यों करता है उसके पीछे भी रीजन्स है उसका रीजन्स ये है वार्म वार्म वेलकम करने का क्योंकि ये जो अरब स्टेडर्स थे अरब ट्रेडर्स जो थे ये क्या किए थे अरबियन सी और इंडियन सी में इनका क्या हो गया था इनका मोनोपोली हो होने दूसरा ये जो लैंड पोर्सन में ये लोग क्या कर रहे थे जो ट्रेड करते थे यहाँ भी इनकी मोनोपोली चलती थी तो इससे जो यहाँ का रूलर्स था इसको थोड़ा सा दिक्कत होने लगे थे इसने सोचा कि ये तो कोई यूरोपियंस आया पुर्तगीज आए यूरोपियंस आए अब क्या करेंगे कि जो ये मोनोपोली अपना जो एस्टैब्लिश कर रखा है अब इसको काउंटर बैलेंस कर देंगे इस वजह से इसका वार्म वेलकम करता है और जैसे ही ये वार्म वेलकम करता है तो एक नए तरीके के क्या होता है एक नए तरह का रूट इस तरह से क्या किया जाता है डिस्कवर कर लिया जाता है किसके द्वारा बासको डिमगामा के द्वारा तो आयो इसको हम लोग आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं वेन द्लॉक्स द लैंड रूट फ्रॉम द यूरोप टू द ईस्ट द यूरोपियन बिगे टू डिस्कवर सी रूट टू द ईस्ट द इन्वेंशन ऑफ द मान्य कंपास का चूंकि साइंटिफिक टेम्प्रोवेंट की बातें होने लगी थी ठीक है तो इसी केस में इन्होंने क्या कर लिया कि ये कंपास uh, का भी इसमें डिस्कवर कर लिया जिससे इसको डायरेक्शन डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प मिला सो द करेक्ट डायरेक्शन द सी ट्रेवलर इंप्रूवमेंट इन द एक्ट ऑफ द मैप मैपिंग यानी कार्टोग्राफी यानी मैप मैप बनाने में इनको भी हेल्प मिलने लगा एंड द शिप बिल्ड द हेल्प इन द डिस्कवरिंग ऑफ द न्यू सी रूट्स और वो भी जो शिप बिल्ड किया जाते थे वो हल्के शिप ताकि उसको जो है खेने के लिए उसको चलाने के लिए क्या होता है कम लोगों का उसमें ज़रूरत पड़े स्पॉन्सर्ड बाय द यूरोपियंस रूलर्स एक्सपोज लाइक द का क्रिस्टोफर्स कोलम्बस वास्कोनियम अच्छे एक जो क्रिस्टोफर्स कोलम्बस था इसने तो पूरे दुनिया को से ही जो है लैटिन अमेरिका जिसमें अमेरिका नॉर्थ

और बताया कि पृथ्वी जो है क्या है अर्थ जो है क्या है एक गोल है स्टेयर्स है ठीक है चूंकि ये जिस पॉइंट से चला था वापस उसी पॉइंट पर घूमकर चला आया था तब इसने बताया था फेडिनाड मैंगलन की ये जो है क्या है अर्थ क्या है राउंड है गोल है ठीक है डिस्कवर द न्यू सी रूट द वेस्ट वेस्ट एंड ईस्ट ठीक है दट डिस्कवरी ऑफ द न्यू सी रूट लेड टू द ट्रीमेंडस इंक्रीज इन द ट्रेड्स द यूरोपियन सेट सेट ऑफ देयर ट्रेडिंग पोस्ट एंड कॉलोनीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ द एशिया इसने ही क्या कर दिया इस सी रूट्स ने क्या किया कि इनको जो है कॉलोनी एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया इनिशियली पुर्तुगीज जो है एक्सप्लोर करता है वास्को डिगामा रिज द कालीकट ऑफ द मालाबार मालावारंडिया फोर्टीन नाइनटी एट में क्या करता है, है मालाबार पार पर द पुर्तगीज एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन द गोवा दमन एंड दीव ठीक है यानी फिफ्टीन टेन में यानी पंद्रह सौ दस फिफ्टीन टेन ये क्या करता है कि गोवा पर ये लोग कब्जा कर लेगा ठीक है और ये करता कौन है नीनो डी कुन्हा करते हैं यहाँ पर ठीक है नीनो डी कुन्हा क्या करता है यहाँ पर जो है इसको गोवा को अपनी क्या करता है राजधानी बना लेता है ठीक है इसके बाद ये दमन धमनदीव में बहुत सारी अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करते हैं एक्चुअली देखो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है द सेटलमेंट वेयर द रन बाय द कंपनी इंप्लाय कॉल द फैक्ट्री एंड हेंस वेयर द कॉल्ड फैक्ट्रीज फैक्टर्स और इसी को कहा गया फैक्ट्रीज का एक्चुअली फैक्ट्री क्या आ गया था तो ये जो पूरे इंडिया से ये क्या करते थे जो भी क्या स्पाइसिस वगैरह था मेनली तो ये स्पाइसिस ही करते थे अच्छा स्पाइसिस ही क्यों करते थे तो एक्चुअली स्पाइसिस करने का उसका भी लॉजिक है ये क्या है ये अर्थ है अर्थ ये क्या है स्टूडेंट ये है इक्वेटर ये, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ का एंगल बना के जो पैरल लाइन की चाहिए ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैपरिंग ठीक है ये जो है यूरोप जो है मेनली जो है टेम्परेट रीजन में है कहां पर है टेम्परेट रीजन में और टेम्परेट रीजन में क्या होता है कोल्ड रीजन होता है कैसा होता है कोल्ड रीजन और ऐसे कोल्ड रीजन में जो नेचुरल वेजिटेशन होता है नेचुरल वेजिटेशन जो है बहुत ही कम अमाउंट में होता है इस वजह से यहाँ के लोग जो मेनली जो है वो मीट कंज्यूम करते हैं ठीक है क्या करते हैं मीट कंज्यूम करते हैं और मीट कंज्यूम करने के लिए इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन करने के लिए क्या करते हैं इसमें हम लोग स्पाइसिस खास करके ब्लैक पेपर की यूज किया जाता था तो इसी ब्लैक पेपर के यहाँ से क्या किया जाता है इंडिया से इंडिया से इसको क्या करते थे लोग पूरे यूरोप में ले जाकर स्प्रेड कर देते थे यानी उसको सेल कर देते तो ये जो इंडिया के इंटरनल लैंड से जो अपने क्या करते थे गुड्स को ये खरीदते थे और एक जगह पर ले जाकर एक जगह पर ले जाकर रख देते थे और फिर यहाँ से ट्रे क्या करते थे आ, सी आ, बोट के थ्रू ये कहाँ पर ले जाते थे वहाँ पर ले जाए यूरोप में ले जाते थे तो जो ये जो हाउसेस बनाते थे, थे जो वो एक रीजन जहाँ पर पूरे आ, इंडिया के इंटरनल पार्ट से जो अपना गुड्स खरीद के लाते थे उसी को क्या कहा गया फैक्ट्री कहा गया क्या कहा गया इसी को इन्होंने क्या कहा फैक्टर्स यानी फैक्ट्रीज कहा अगला पॉइंट है अगला पॉइंट से स्टूडेंट कि इन द ईयर ऑफ द दिक्सटीन एलिजा बेथुआन ऑफ द इंग्लैंड ग्रांटेड राइट टू द कंपनी फॉर्म बाय इंग्लिश मर्चेंट फॉर ट्रेडिंग द ईस्ट द कंपनी केम द कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये जो है ये रहा यहां पर है इंडिया यहां पर है कौन सा ब्रिटेन ठीक है कौन सा है ब्रिटेन और यहीं से वो क्या, क्या बोलते हैं टाइम लाइन निकला हुआ ठीक है जी एम टी टाइम मिन ठीक है ग्रीनविच मिन टाइम यहां से निकला हुआ और चूंकि यहां पर ग्रीनविच टाइम से इंडिया किधर है इंडिया जो है ईस्ट की तरफ है तो इसलिए इसको जो ये कंपनी आई इसको कहा क्या, क्या कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया एक्चुअली स्टूडेंट ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये जो सोलह सिक्सटीन मर्चेंट्स का एक ग्रुप था जो ये मिलकर ये बनाया था ये एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया ठीक है इसको जो है एलिजाबेथ जो है वो ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स के लिए क्या करती है इसको इंडिया में लेटर uh, लिखती है अकबर uh, को ठीक है अकबर को ये क्या करती है एक लेटर इशू करती है इनको ट्वेंटी इयर्स के लिए ट्रेड करने के लिए ईस्ट इस, में ठीक है जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं इंडिया में तब तक जो है अकबर की जो है मृत्यु हो जाती है वो डेथ कर जाता है 1605 में और जैसे ही 1605 में ये इसका डेथ होता है तो फिर इसका जो सन है कौन सा जहांगीर ठीक है जहांगीरस क्या बनता है यहाँ का रूलर्स बनता है और रूलर्स बनता है तो बहुत साल बाद यानी बहुत समय के बाद जो है यहाँ पर इंडिया में इसको क्या करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश होने का मौका देता बहुत लगभग सिक्सटीन थर्टीन में ये प्रॉपर वे में क्या हो जाते हैं एस्टैब्लिश कर लेते हैं कहां पर सूरत में ठीक द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग सेटलमेंट सेटलमेंट कॉल फैक्ट्री एट सूरत ये सिक्सटीन थर्टीन में ये स्टैब्लिश करेंगे बाय द एंड बाय द सॉरी बाय द एंड ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी द इंग्लिश सेटलमेंट सेवनटीन सेंचुरी इंग्लिश सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश एट द मद्रास बॉम्बे कोलकत्ता यहाँ पर भी अपने क्या करते हैं फैक्ट्रीज uh, एस्टेब्लिश कर लेते हैं ठीक है एक्चुअली ये मेन रीजन अपना सेंटर्स में यहाँ पर करेंगे द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फॉर्म सिक्सटीन सिक्सटी फोर ये जो है ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी इट इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द रीजन अराउंड द ट्रेड एस्टेब्लिश इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज द रीजन केम टू बी नोन एज द कॉलनीज इनको क्या कॉलोनीज एंड द प्रोसेस ऑफ द एक्वायर केम इज नोन एज द कॉलोनीज कॉलोनाइजेशन यानि जो कॉलोनी के थ्रू उनको एक्वायर करने का ये यूरोपियंस का एक्वायर करने का जो प्रोसेस था उसी को क्या कहा गया कोलोनाइजेशन किया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द अमेरिका बाय द कोलम्बस मैनी पार्ट ऑफ द अमेरिका वर ऑक्युपाइड बाई द ऑक्युपाइड बाय द पीपुल्स फ्रॉम सम सेंचुरी ऑफ द यूरोप ऑल द डेवलपमेंट लीड टू द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म इन द यूरोप इन यूरोप में जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था उसने क्या कर दिया खत्म किया एंड अ न्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी कॉल्ड कैपिटलिज्म का स्टार्ट हुआ क्यों क्योंकि ये जो जो कलम्बस क्रिस्टोफर्स कोलम्बस जो है इसने किसको डिस्कवर किया लैटिन अमेरिका को और लैटिन अमेरिका को जैसे ही ये क्या करता है डिस्कवर करता है तो वहाँ से जो मिनरल्स होते हैं क्वाइंस होते हैं उसको क्या करते हैं ये यूरोपियंस जो हैं ये क्या करेंगे पूरे वर्ल्ड पर उसको ट्रेड करने में यूज करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरह से से क्या होगा कैपिटलिज्म का बिगेन शुरुआत होना स्टार्ट हो द मेन फीचर ऑफ द न्यू सिस्टम सोसाइटी वाज द इमर्ज ऑफ द टू टू न्यू क्लासेस एक आएगा कौन सा कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड आएगा वर्कर्स द कैपिटलिस्ट वर द ओनर ऑफ द इंडस्ट्रीज कैपिटलिस्ट कौन थे तो जिनके पास uh, जो ओनर्स होता था इंडस्ट्रीज का मशीन्स का एंड गुड्स का वे क्या हो? प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स ठीक है जो उसके अंदर जो काम करने के लिए जो पर्सन होते थे उसको क्यों? उसको किस क्लास में रखा गया उसका उसको वर्कर के क्लास में रखा गया एक्चुअली जो कैपिटलिस्ट का जो मेन एम्स होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना होता है जबकि वर्कर्स जो प्रोड्यूस द गुड्स रिसीव वेजेस फ्रॉम द ऑनर्स ऑफ द फैक्ट्री यानी अब जो अपने फैक्ट्री के ऑनर के लिए वर्कर्स का मेन काम क्या था कि गुड्स को प्रोड्यूस करना ठीक है और उसके एवज में उनको क्या दिया जाता था वेजेस दिया जाता था अंडर द न्यू सिस्टम द फैक्ट्री ऑनर ऑफ द एस्ट कैपिटलिस्ट बिकम्स द मोस्ट इंफ्लुएंसल पर्सन इन द सोसाइटी इन द प्लेस ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द अर्लियर टाइम में यानी जो फ्यूडर लॉर्ड्स अर्लियर टाइम में हुआ करता था जो पूरे कैपिटल को कंट्रोल करके रखता था अब वहां से शिफ्ट होकर एक नए तरह के जो सोसाइटी क्रिएट हुआ था कैपिटलिस्ट उसके हैंड में यह चला जाता है दिस लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स बाय द मशीन्स इन द फैक्ट्रीज आर कॉड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसको कहा नया नाम दिया गया द फर्स्ट विगेन इन द इंग्लैंड इन द मिड एटीन सेंचुरी ठीक है इसकी शुरुआत इंग्लैंड के मैनचेस्टर वाले में कैपिटलिज्म एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इसके बाद है फर्स्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ठीक है फर्स्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन को हम लोग स्टूडेंट अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए